हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। दोस्तों, पीएम किसान पर न्यू घोषणा अपडेट आया है, जो कि पोर्टल पे भी पुराने वाला दिखा रहा है, और वहां जाने के बाद ब्लॉक लेवल अधिकारी बोल रहे हैं कि नया वाला लाइए। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके पास भी अवेलेबल होना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास जाकर मैंने लिया और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, इस प्रकार से घोषणा पत्र है ये। यहाँ पर लाभार्थी का नाम होगा, जो जो कि उनके आधार में जो नाम है वही नाम देना है, और यहाँ पर उनका जनपद यानी जिला जो भी हो यहाँ लिखना है कलम से, और यहाँ पर तहसील जो भी उनका तहसील है वो यहाँ पर फिलअप कर देना है। यहाँ पर राजस्व ग्राम का नाम, जहाँ पे उनकी खेत से संबंधित जानकारी है यहाँ पे डालनी है, और यहाँ पर खतौनी क्रम जो स्क्रीन पर शो हो रहा है वो यहाँ पर दिया जाएगा, और यहाँ पर खसरा संख्या दिया जाएगा, जो कि सामने दिखाई दे रहा है वही खसरा संख्या है सर जी। दोस्तों, उसके बाद यहाँ बिंदु संख्या, ये बिंदु संख्या एक, क्या आप आवेदक वरासत के आधार पर योजना आरंभ होने के पश्चात कृषक बना है? यदि हाँ तो यहाँ पर सही का निशान लगाइएगा, अथवा नहीं तो यहाँ पे, और यहाँ पे भी दे देना है कि यदि हाँ तो क्या मृतक कृषक जिनकी वरासत से आवेदक भूमि भूस्वामी बना है पीएम किसान योजना के लाभार्थी थे, यदि थे तो हाँ या तो नहीं। अब यहाँ पर तीन का क दे रहा है, लाभार्थी मृतक किसान की पीएम किसान आईडी संख्या, तो यहाँ पे आप किसान संख्या अगर हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए उसको। लाभार्थी मृतक किसान के आधार संख्या, यहाँ पे आप आधार संख्या उनका लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए। भू अभिलेख के अनुसार भूमि का क्षेत्रफल हेक्टेयर में, यहाँ पर जो खतौनी शो हो रही है वहाँ पे वही सेम चीज़ यहाँ पे डाल देना है आपको। और इसके बाद से क्या भूतपूर्व अथवा वर्तमान संवैधानिक पदाधारक है? तो दोस्तों, यहाँ से आपको सब में नहीं नहीं डाल देना है, नहीं लिखिए या टिक कर दीजिए इसमें, तभी आपको पीएम किसान के लिए पात्र होंगे। और यहाँ पे आपको दिनांक दे देना है जिस डेट में आप जमा कर रहे हैं, यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर दीजिए, यहाँ हस्ताक्षरकर्ता का नाम दे दीजिए। हस्ताक्षर उन्हीं लोगों को करना है जिनका ये घोषणा पत्र भरा जा रहा है, और यहाँ पे अपना दे देना है किसान स्वयं है, पति है, पत्नी है, यहाँ पे टिक कर देना है, जो है स्वयं है तो स्वयं पर क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर कृषक का मोबाइल नंबर, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दे देना है। और दोस्तों, ये फार्म भरने के बाद अपना आधार कार्ड, बैंक का पासबुक और खेत का कागज़, और ये सबसे ऊपर पेज हो जाएगा, उसके बाद अपने ब्लॉक लेवल अधिकारी के पास ले जाकर आप जमा कर दीजिएगा। तो ये जानकारी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये पीडीएफ दोस्तों आई बटन में मिल जाएगा आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।